ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। खट्टर कैबिनेट का हिस्सा रहे अनिल विज की नाराजगी पर अब विपक्ष ने भी चटकारे लेना शुरू कर दिया है। अब तक गुटबाजी के चलते कांग्रेस ही विरोधियों के निशाने पर रहती थी, लेकिन अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। हरियाणा कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा है, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी मोबाइल की दुकान पर गए और कहा कि मेरा फोन खराब हो गया है। दुकान वाले ने फोन चेक करके कहा कि फोन तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर विज साहब बोले कि इस पर कोई फोन क्यों नहीं आता। हरियाणा भाजपा की गुटबाजी ने विज साहब को किनारे लगा दिया। कांग्रेस का ये ट्वीट दिखाता है कि अब गुटबाजी पर कांग्रेस अपना बचाव करने की बजाय उल्टा भाजपा की गुटबाजी एक्सपोज करने में जुटी है और खुद भाजपा ने कांग्रेस को ये मौका दिया है। इन दिनों गब्बर सिंह भाजपा की चुनावी बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं और हद तो तब हो गई जब वो अंबाला लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में भी नहीं पहुंचे। हालांकि अनिल विज लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो नाराज नहीं है और भाजपा के लिए दोगुनी ताकत के साथ काम करेंगे, लेकिन चुनावी तैयारियों की बैठक से दूरी बनाकर गब्बर सिंह कौन सी दोगुनी ताकत से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ये समझ से परे है। आगे बढ़ने से पहले आपको तीन अलग अलग घटनाओं से समझाते हैं कि अनिल विज किस हद तक नाराज है और भाजपा उनको मनाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। सबसे पहले 19 मार्च को अनिल विज द्वारा दिए गए इस बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने पहली बार पूर्व सीएम मनोहर लाल का नाम लेकर उन पर बड़ा हमला बोला था। सर, वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। मैं उनका धन्यवाद अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंख कहाँ होती है, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं। विज के इस बयान के बाद भाजपा के कान खड़े हो गए और फिर एक के बाद एक भाजपा के बड़े नेताओं का विज के आवास पर पहुंचना शुरू हो गया। इस क्रम में बयान के तीन दिन बाद यानी 22 मार्च को नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी को अनिल विज के आवास पर जाना पड़ा। विज ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया और पूर्ण समर्थन की बात कही। नायब सैनी के बाद बारी आई पूर्व सीएम मनोहर लाल की। 25 मार्च को मनोहर लाल विज के अंबाला आवास पर पहुंचे और उनको होली की बधाई दी। दोनों नेताओं की तस्वीर भी सामने आई जिसमें दोनों के माथे पर टीका लगा था और चेहरे पर जोरदार मुस्कुराहट भी थी। इस मुलाकात के बाद लगा कि मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम ने खुद गब्बर सिंह के आवास पर जाकर उन्हें मना लिया है, लेकिन बात बनी नहीं। खट्टर के बाद 28 मार्च को अंबाला लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया ने गब्बर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में उनसे समर्थन की अपील की, जिसको विज ने भी स्वीकार किया और पूरी ताकत के साथ बंतो कटारिया का साथ देने का आश्वासन भी दिया। इन तमाम मुलाकातों में खास बात यह रही कि 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक यानी 6 दिनों में भाजपा के तमाम दिग्गज विज के दरवाजे पर उन्हें मनाने पहुंचे और गब्बर की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन गब्बर तो गब्बर है, बाहर से भले ही नाराजगी को अस्वीकार कर रहे हों, लेकिन इन तमाम दिग्गजों के उनके घर जाने के बाद भी जिस तरह से अनिल विज भाजपा की चुनावी बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं, वो दिखाता है कि गब्बर के दिल में टीस अभी भी बाकी है और अब विपक्ष भी उनकी टीस को टटोलते हुए भाजपा की गुटबाजी पर हमलावर हो गया है। अंत में अब इंतजार है कि गब्बर को मनाने के लिए भाजपा और किसका सहारा लेगी, क्या गब्बर मानेंगे भी या नहीं। और जिस तरह से उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, उसका वो क्या जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।